हेलो गाइस, दिस नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीटों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं, सभी कीट क्लास इंसेक्टा के सदस्य होते हैं और क्लास इंसेक्टा के सभी सदस्यों को उनके अलग अलग करेक्टर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। क्लास इंसेक्टा को हम दो सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है सब क्लास टेरिगोटा। टेरिकोटा दैट मीन्स ऐसे जीव जिनमें पंख पाए जाते हैं, इनको मेटाबोला कहा जाता है। सब क्लास टेरिकोटा जो होता है, इसको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सोप टेरिकोटा, जिसमें 16 ऑर्डर्स आते हैं, और दूसरा है एंडोप टेरिकोटा, जिसमें 9 ऑर्डर्स आते हैं। जो दूसरा सब क्लास है वो है एप टेरिकोटा। एप टेरिकोटा दैट मीन्स अपंखीय, इनमें पंख नहीं पाए जाते, इनको एमेटाबोला के नाम से भी जाना जाता है। ए मेटाबोला जो सब क्लास है एप्टेरिगोटा, इसमें 4 ऑर्डर्स आते हैं, जो कि हैं थाइसोन्यूरा, डिप्लूरा, प्रोटूरा और कोलम्बोला। हम बात करते हैं एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा के अंतर की। जैसे कि हम जानते हैं, कीट बहुत ही प्राचीनतम प्रकृति के बहुत ही प्राचीनतम संरचनाओं में से एक हैं, जिनमें से कुछ पंखीय हुआ करते थे और कुछ अपंखीय। वर्तमान में जो अपंखीय पूर्वजों से डेवलप हुए हैं, वे वर्तमान में भी अपंखीय ही हैं, लेकिन जो पंखीय पूर्वजों से डेवलप हुए हैं, उनमें से कुछ वर्तमान में अपंखीय हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए खटमल या फिर जूं। खटमल और जूं ऐसे जीव हैं जो कि वर्तमान में तो अपंखीय हैं, परंतु इनके पूर्वज पंखीय हुआ करते थे। इनके पूर्वज पंखीय हुआ करते थे, इसलिए इनको टेरिकोटा में रखा गया है। तो इनमें कुछ इस प्रकार से अंतर है। एप्टेरिकोटा में किसी प्रकार के पंख नहीं पाए जाते, या फिर इनके जो पूर्वज थे वो भी पंख रहित हुआ करते थे, जबकि टेरिकोटा में पूर्ण विकसित पंख होते हैं, या फिर इनके पूर्वजों में पूर्ण विकसित पंख हुआ करते थे। एप्टेरिकोटा में मेटामोर्फोसिस नहीं पाए जाते, जबकि टेरिकोटा में मेटामोफोइस पाए जाते हैं। ये उनके मुख्य अंतर हैं। उसके अतिरिक्त एप्टेरिकोटा जो होते हैं, उनके सिर मोनोकोंडाइल टाइप के होते हैं, जबकि टेरिकोटा के सिर डाइकोंडाइल होते हैं। अब हम बात करते हैं सब क्लास एप्टेरिकोटा की। सब क्लास एप्टेरिकोटा जिसमें पंख नहीं पाए जाते, इनमें 4 ऑर्डर्स जो आते हैं वो है थाइसोन्यूरा, डिप्लूरा, प्रोटूरा और कोलम्बोला, जिसमें से पहला है थाइसोन्यूरा। थाइसोन्यूरा ऑर्डर के एग्जाम्पल हैं सिल्वर फिश, फायर ब्रेड्स और ब्रिस्टल टेल। सिल्वर फिश जो होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, थाइसेनो दैट मीन्स होता है फ्रिंग्ड या झाड़ी नुमा, उरा दैट मीन्स टेल। इनका जो पूंछ होता है ये झाड़ी नुमा होता है, और इनका जो शरीर होता है चपटा होता है। इनमें संयुक्त नेत्र अब्सेंट होते हैं या फिर बहुत ही छोटे होते हैं। इनमें श्रृंगिकाएं लंबी होती है, मल्टी सिगमेंटेड और धागाकार होती है। इनका जो शरीर होता है वो पूरी तरह से स्केल से ढका हुआ होता है। जो दूसरा ऑर्डर है वो है डिप्लोरा। डिप्लो दैट मीन्स होता है दो, और उरा दैट मीन्स टेल। डिप्लोरा दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डबल टेल या दो पूंछ। डिप्लूरा ऑर्डर के जो सदस्य होते हैं, इनमें दो पूंछ पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है उनको डिप्लूरेंस कहा जाता है। इस कुल के सदस्य को हम डिप्लूरेंस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कीट में एक जोड़ी पूंछ है या दो पूंछ है, और इनमें श्रृंगिकाएं भी एक जोड़ी है। इनमें संयुक्त नेत्र नहीं पाए जाते, या फिर बहुत ही सूक्ष्म पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं इनके संयुक्त नेत्र, या फिर संयुक्त नेत्र नहीं होते। इनका जो श्रृंगिकाएं होती है वो मुक्ताकार होती है, जैसे कि दीमक में पाए जाते हैं। इनका जो सरसाई होता है ये सेंसरी ऑर्गन का काम करता है और चिमटी के समान संरचना बनाता है। जो अगला ऑर्डर है वो है प्रोटूरा। प्रोटूरा ऑर्डर में प्रोटूरा ऑर्डर के जो सदस्य हैं वो है टेल्सन टेल। टेल्सन टेल जो है, वास्तव में इसमें पूंछ नहीं पाए जाते।
या फिर कह सकते हैं इनमें वास्तविक पूंछ होता है, क्योंकि इनमें पूंछ ना होने के कारण इनका जो अंतिम उदरखंड होता है ये पूंछ के रूप में विकसित होता है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि इनमें वास्तविक पूंछ पाए जाते हैं। इस कुल के सदस्य में एंटीनी एब्सेंट होते हैं, श्रृंगिकाएं नहीं पाई जाती और इनमें संयुक्त नेत्र भी नहीं पाए जाते। इनके जो अग्र जोड़ी पैर होते हैं ये सामने की ओर इंगित होते हैं, जो कि एंटीनी के अनुपस्थिति कारण सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, और इनका जो उदर होता है इन 9 से 12 खंड में विभाजित होता है। इनका जो सरसाई होता है, एब्डोमेन में सरसाई, वो नहीं पाए जाते। जैसे कि मैंने पहले ही बताया इनमें पूंछ नहीं होता, वास्तव में जो इंसेक्ट्स में पूंछ होते हैं उनकी सरसाई होती है जो कि इनमें नहीं पाया जाता। जो अगला ऑर्डर है वह है ऑर्डर कोलम्बोला। ऑर्डर कोलम्बोला का जो सदस्य है वह है स्प्रिंग टेल। स्प्रिंग टेल को हम स्प्रिंग टेल क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल बता दूं कि कोलम्बोला शब्द का अर्थ क्या है। कोलम्बोला शब्द का अर्थ होता है कोल दैट मीन्स होता है ग्लू, इम्बोल दैट मीन्स वेज। ये जो कुल होते हैं इनके सदस्य जो होते हैं स्प्रिंग टेल, इनका जो पूंछ होता है वो मूवमेंट करने में काम आता है, जंप करने का काम आता है। जिस प्रकार से स्प्रिंग से जंप होता है उसी प्रकार से ये अपने पूंछ की मदद से जंप करते हैं। इनमें कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों एब्सेंट होते हैं। संयुक्त नेत्र और सामान्य नेत्र दोनों इसमें नहीं पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है ये स्केल्स से ढका हुआ होता है और इनकी एंटीनी धागाकार होती है, इनमें श्रृंखलाएं धागाकार पाई जाती है। इनका जो उदर होता है वो 6 सिगमेंटेड होता है, 6 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है इनका पूरा उदर। अब बात करते हैं सब क्लास टेरिगोटा की। टेरिगोटा दैट मीन्स जिनमें पंख पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पंखिया। जो सब क्लास टेरिगोटा है जिसको 2 डिवीजन में बांटा गया है, एक्सोप टेरिगोटा और एंडोप टेरिगोटा। अब हम बात करते हैं एक्सोप टेरिगोटा और एंडोप टेरिगोटा के अंतर की। एक्सोप टेरिगोटा जो होते हैं इनमें पंख बाह्य रूप से विकसित होता है, जबकि एंडोप टेरिगोटा में पंख आंतरिक विकसित होता है। यहाँ पे बाह्य और आंतरिक से मतलब है कि एक्सोप टेरिगोटा जो डिवीजन होते हैं इसके सदस्य कोकून नहीं बनाते, जबकि एंडोप टेरिगोटा कुल के सदस्य अपना कोकून बनाते हैं और कोकून के अंदर ही पंख विकसित करते हैं, और पंख विकसित करने के पश्चात वयस्क बन के बाहर निकलते हैं कोकून से। जो एक्सोप टेरिगोटा है उनमें इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस पाया जाता है, जिसको हेमी मेटाबोला कहा जाता है, जबकि एंडोप टेरिगोटा जो होते हैं उनमें कंप्लीट मेटामोर्फोसिस पाया जाता है, पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है, जिसको होलो मेटाबोला कहा जाता है। इनमें एक्सोप टेरिगोटा में इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस पाए जाने के कारण इनमें प्यूपल स्टेज नहीं पाया जाता, जबकि एंडोप टेरिगोटा में प्यूपल स्टेज होता है। एक्सोप टेरिगोटा में 16 ऑर्डर्स आते हैं, जबकि एंडोप टेरिगोटा में 9 ऑर्डर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो पहला जो है सब क्लास टेरिगोटा में कौन कौन से ऑर्डर आते हैं। सब क्लास जो टेरिगोटा है जिसमें 2 डिवीजन हैं, इसमें पहला जो है एक्सोप टेरिगोटा, इसमें कुल 9 ऑर्डर्स हैं। एंडोप टेरिगोटा में 16 ऑर्डर्स हैं। तो एक्सोप टेरिगोटा के ऑर्डर्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है एफिमेरोप्टेरा, जिसके उदाहरण हैं मेफ्लाई। दूसरा है ओडोनाटा, जिसके उदाहरण हैं ड्रैगन फ्लाई या फिर डैमसल फ्लाई। अगला ऑर्डर है वह है प्लिकोप्टेरा, जिसके उदाहरण हैं स्टोन फ्लाई। और उसके बाद अगला ऑर्डर जो आता है वह है डिक्टियोप्टेरा। डिक्टियोप्टेरा कुल के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं कॉकरोच या फिर मैंटिस। आप लोग सभी जानते हैं कॉकरोच और मैंटिस हर किसी के घर में देखने को मिल जाता है। जो अगला ऑर्डर है वो है ग्राइलोब्लेटिडी। ग्राइलोब्लेटिडी कुल के जो सदस्य होते हैं उनको ग्राइलोब्लेटिड्स कहा जाता है। जो अगला ऑर्डर है वो है ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा में टिड्डा, टिड्डी, क्रिकेट, मोल क्रिकेट इत्यादि कीट आते हैं। जो अगला ऑर्डर है वो है ऑर्डर फास्मिडा, जिसके अंतर्गत
स्टिक इंसेक्ट्स आते हैं। स्टिक इंसेक्ट्स लकड़ी के समान दिखने वाले कीट होते हैं। जो अगला ऑर्डर है वो है डर्मेप्टेरा, उसके बाद एम्बियोप्टेरा, देन आइसोप्टेरा, जोराप्टेरा, देन सोकोप्टेरा, देन मेलोफेगा, देन साइफांकुलाटा, देन हेमिप्टेरा, और अंत में आता है थाइसेनोप्टेरा। थाइसेनोप्टेरा जो ऑर्डर है इसमें थ्रिप्स प्रकार के कीट आते हैं। उसके बाद हम एंडोप्टेरिगोटा डिवीजन के ऑर्डर्स की बात करते हैं। एंडोप्टेरिगोटा दैट मीन्स जिनमें पंख आंतरिक रूप से विकसित होता है, इनमें कुल 16 ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें से पहला है न्यूरोप्टेरा, दूसरा है मिकोप्टेरा, देन ट्राइकोप्टेरा, उसके बाद है लेपिडोप्टेरा, देन डिप्टेरा, देन साइफेनोप्टेरा, देन हाइमेनोप्टेरा, देन कोलियोप्टेरा, देन स्ट्रेप्सिप्टेरा। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सभी कीटों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, उनके गुण, उनके कैरेक्टर्स, उनके शारीरिक संरचना के अनुसार, जो कि इस प्रकार से हैं। जो क्लास इंसेक्टा में कुल 29 ऑर्डर्स आते हैं, जो जिनमें से चार एमेटाबोला होते हैं, और मेटाबोला जो होते हैं वो 25 ऑर्डर्स हैं। जिन 25 ऑर्डर्स मेटाबोला में आते हैं उनमें हेमीबेटाबोला 16 हैं, जबकि होलोमेटाबोला 9 हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।